नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पित्ती होंडा में। आज हम आपको बताएंगे SP125 के बारे में। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। होंडा ने अपनी तरफ से एक नया मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है SP125। इसके अंदर आपको चार नए कलर मिलेंगे। पहला कलर है मेटेलिक ग्रे, दूसरा कलर है ब्लू, तीसरा कलर है रेड और चौथा कलर है ग्रीन। होंडा ने अपनी तरफ से जो नया फीचर लॉन्च किया है जिसके अंदर आप देखेंगे जो आगे का फ्रंट कवर है वो एक्सप्लेड से मिलता जुलता है और पीछे के जो काउल हैं वो आपको सीबी साइन से मिलते जुलते मिलेंगे। इसके अंदर आपको कंप्लीट न्यू डिजाइन मिलेगा। इसके जो टायर हैं, टायर आपको फुली HET मिलेंगे, होंडा इको टेक्निक के। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डिस्क मॉडल है। डिस्क के अंदर इसकी खास बात ये होती है कि ब्रेकिंग सिस्टम, आपको जब आप 60 से 70 की रेंज में गाड़ी चलाते हैं तब आपकी ब्रेकिंग सिस्टम देखी जाती है। डिस्क ब्रेक के साथ में आपको मिलेगा 5-स्पोक स्पोर्टी एलॉय व्हील। होंडा कंपनी ने अब इसके अंदर एक बड़ा चेंज किया है। BS6 के सारे सेगमेंट में ये चेंज मिलेगा आपको, जो है फ्यूल इंजेक्ट सिस्टम। कंपनी ने इसके अंदर कार्बोरेटर को पूरी तरह से हटा दिया है। अब जो सिस्टम बना है वो फ्यूल इंजेक्ट सिस्टम है जिसके अंदर आपको 8 सेंसर मिलेंगे जो इस प्रकार है, कंप्लीटली फुली डिजिटल मीटर। इसके अंदर आप पाएंगे रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, दूसरा एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, तीसरा डिस्टेंस टू एम्प्टी, चौथा सर्विस ड्यू इंडिकेटर, पांचवा गियर पोजीशन इंडिकेटर और छठा इको इंडिकेटर। इसके अंदर स्विच सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर स्टार्ट और स्टॉप दोनों सिस्टम आपको मिलेंगे। पहले जो सेगमेंट में आते थे उसमें पासिंग लाइट नहीं होती थी, इसके अंदर आपको जो नया सेगमेंट में मिलेगा वो है पासिंग लाइट। इसको आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। इसके अंदर जो LED लाइट है उसके अंदर बड़ा सेगमेंट चेंज ये आया है कि ये गाड़ी की स्पीड के बेस के ऊपर फ्रिक्शन देगा। इसमें जो कम्प्लीटली न्यू लुक डिज़ाइन के लिए दिया है जो इसका क्रोम मफलर हो गया, आप इसको देखेंगे ब्रांड न्यू डिज़ाइन है इसकी। SP125 के अंदर जो न्यू चेंज है वो है इसका इन्हेंस सिस्टम, इन्हेंस स्मार्ट पावर है इसके अंदर। और आप इसका लुक देख सकते हैं जो इसका ये पैनल दिया है, जो होंडा में पहले भी जो गाड़ी आती थी जिसका नाम था लीवो, उससे मिलता जुलता रखा गया है। ये कस्टमर में यंग जनरेशन को ध्यान में रख के पूरी बनाई गई है। इसके अंदर जो नया सस्पेंशन है वो 5-स्टेप रियल सस्पेंशन है, आप देख सकते हैं पहले से ज़्यादा कंफर्ट आपको राइडिंग के अंदर मिलेगा। पीछे आप अगर इसके देखेंगे जो टेल लाइट है वो स्मार्ट स्पोर्टी लुक के अंदर रखी गई है। नॉर्मली बाइक के अंदर जो पहले जो लाइट आती थी वो इतनी डिजिटलाइज नहीं थी जितनी इस नई के अंदर आपको मिलेगी। BS6 के अंदर जो फुली न्यू इंजन आपको मिलेगा जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट सिस्टम होगा, साथ में फ्रिक्शन रिडक्शन सिस्टम भी होगा जिससे आपका इंजन फुली स्मूथ रहेगा। जो इसकी सील चेन है पहले से काफ़ी बेहतर की गई है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा आप इधर देख सकते हैं 5-स्टेप सस्पेंशन किया गया है। पहले जो सेगमेंट में गाड़ियां आती थी उसमें 5-स्टेप सारे के सारे आगे होते थे, अब इसके अंदर 1-स्टेप लोअर और बाकी के स्टेप आगे रखे गए हैं। ऑल एंड ऑल हम अगर बात करें तो होंडा सेगमेंट के अंदर ये आपको पूरा नया इंजन आपको मिलेगा, ये आपको देती है स्मार्ट टेक्निक, ये आपको देता है फुली डिजिटल मीटर और स्मार्ट सिस्टम के साथ 5-स्टेप सस्पेंशन, प्लस इसके अंदर आपको मिलता है 16% मोर माइलेज। तो होंडा ने जो ये नई बाइक लॉन्च की है इसके पीछे सबसे बड़ा जो यूथ को इन्होंने कवर किया है। इसमें आपको मिलेगी 3 साल की वारंटी प्लस 3 साल का ऑप्शनल वारंटी पीरियड और 16% मोर माइलेज के साथ आपको कंफर्ट राइडिंग के लिए SP125 बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि होंडा ने अपनी क्वाइट रिवॉल्यूशन अभी स्टार्ट किया है, तो क्वाइट रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं होंडा को, जो हम आपको अभी बताते हैं।
पहले जो गाड़ियां आती थी उसमें हम जब सेल्फ स्टार्ट करते थे तो एक फ्रिक्शन आता था, अभी इसको पूरी तरह से साइलेंट स्टार्ट की ओर कर दिया गया है, जो कि ये है। आपको इसकी नॉइज मैं पास से सुनाना चाहता हूँ। इसका इंजन पहले से काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है और अब आप आराम से बोल सकते हैं कि हाँ, होंडा की गाड़ी चलती है तो मक्खन जैसी। रिव्यूज़ एक्सपी के सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एसपी 125 के बारे में कैसा लगा, आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।